द माइटी नेम ऑफ जीजस गुड इवनिंग एवरी वन होप यू आर गुड बाई द ग्रेस ऑफ गॉड आज एक नए एपिसोड के साथ एक नए गेस्ट के साथ आपका तारफ भी कराएंगे और उनसे मिलेंगे एक बिजनेस मैन है और एक नंबरदार हैं एक गांव के आज उनसे बात करेंगे उन्होंने ये बिजनेस कब स्टार्ट किया कैसे स्टार्ट किया और एज ए नंबरदार वो गांव को किस तरह से लेके चल रहे हैं तो आए हम मिलते हैं औरंगजेब डेविड साहब से मार्टिनपूस इनका तल्ल है इज़त माँ आप जनाब डेविड औरंगजेब साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं डेविड साहब आपको वेलकम कहता हूँ नेशनल न्यूज़ में आप कैसे हैं थैंक यू खुरम साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका ये सफ़र कैसा रहा अभी आप इतनी दूर से आए हैं जी खुदा का शुक्र है कि हम बिल्कुल खैर खरीत से पहुँचे हैं यहाँ पर तो आपके प्रोग्राम के लिए थैंक यू थैंक यू डेविड साहब आप एज आ बिजनस मैन इस वक्त किस तरह काम कर रहे हैं मैंने जो आपके बारे में सुना है आप मार्टिनपुर में एज ए नंबरदार भी काम कर रहे हैं मार्टिनपुर की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और जहाँ तक मुझे मेरे नॉलेज में है अगर हम कोई बीस साल पीछे जाते हैं तो आप गाँव में रहते थे तो आपने तलीम कहाँ से हासिल की है और आपके कितने बच्चे हैं इस वक्त खुरम साहब मैं एक्चुअली ये है कि मेरी जो फैमिली है ना वो उसमें से कोई भी बिजनेसमैन नहीं बना पहले ना बिज़नेस किया तो मैं एक वाद फर्द हूँ जिसने बिज़नेस की तरफ़ रजू किया जी जी तो ये है कि मैं अपनी प्राइमरी एजुकेशन मेरी जो है वो मरी से है प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट से सेंट डैनिस में क्लास थ्री तक मैं सेंट डैनिस में था उसके बाद प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में चले गए हम तो वहाँ से मेरी प्राइमरी एजुकेशन है उसके बाद मैं ए, जब ये नाइनटीन सेवेंटी में सेवेंटी वन में जंग लगी थी गालबन तो उस वक्त हम वापस आ गए गांव में वाला साहब गांव ले आए तो वहां पे फिर हम मिशन हाई स्कूल मार्टनपुर में मैंने मैट्रिक किया आ, उसके तो, बाद एफसी कॉलेज में फिर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके फिर मैं बिज़नेस शुरू कर दिया मैंने आप कह रहे हैं कि मेरी फैमिली में कोई बिजनेस नहीं था जहाँ तक जा। मेरे नॉलेज में आया कि जब एक One, हो गए मार्टिनपुर को बने जी जी उस वक्त मेरे ख्याल में जो हमारे फाउंडर थे मार्टिनपुर के जी जी उनके साथ आपके परदादा भी थे जो मेरे ख्याल यूपी चर्च के पहले पास्टर थे जी मेरे जो परदादा थे फजल दीन वो ही वॉज कन्वर्टेड उनको मिशनरी ने कन्वर्ट किया था फ्रॉम मुस्लिम ही वॉज कन्वर्टेड टू क्रिस्टनिटी तो वो जो अपना डॉक्टर मार्टन थे सैमुअल मार्टन उनके साथ एज एसिस्टेंट मिशनरी वो काम करते रहे हैं और उनकी जो फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट जो थी वो थी खान का डोगरा एज ए पास्टर तो मार्टनपुर क्योंकि उस वक्त नया आबाद हो रहा था और ये मेरे जो परदादा थे फजल दीन ये उनके साथ आके इन्होंने जो सेवेंटी टू खानदान आए थे इनको वहाँ पे आबाद किया और उस वक्त अभी कोई प्रॉपर चर्च नहीं था लेकिन वो ख़ान का डोगरा से वो आते थे ये जो हमारी गुगेरा ब्रांच है जो हमारी नहर है जो बड़ी नहर तो तब तो कोई बस बुस तो होती नहीं नहीं वो अपना घोड़े पे आते थे अच्छा। खान का डोगरा से तो मार्टनपुर वो अबादत करा के फिर वापस खान का डोगरा चले जाते थे उनके जो बेटे थे उनका क्या नाम था हाँ जी उनके बेटे थे सादक फजल दिन वो गांव में आए थे डायरेक्ट जी हाँ जी वो वहाँ पे ये हमारा सारा जब 72 फैमिलीज आई हैं उसी में ही ये मेरे परदादा भी इधर ही शिफ्ट हुए थे

इस वक्त क्या कर रहे हैं आप उनको जानते हैं मार्टनपुर को देखते हैं मार्टनपुर ने कितनी तरक्की किया आज इनसे पूछेंगे कि मार्टनपुर के जो पहले वाले लोग थे जो आज से कोई तीस साल पहले चालीस साल पहले की बात करते हैं अगर हम उनको देखते हैं उन्होंने कैसे तरक्की की है और वो देखे किस किस पोस्ट तक गए हैं और आज भी उन्हीं पोस्ट वालों की वजह से आज ही उन लोगों की वजह से मार्टनपुर का नाम है न्यू जनरेशन जो हम लोग हैं आज इतनी पोस्टें हमने हासिल की ही नहीं है हमने पोस्ट ये देखा ही नहीं आपने देखा होगा मार्टनपुर में इसे बहुत कम लोग हैं जो आप है। इतनी बड़ी पोस्ट पे जाते हैं अब बड़ा फख्र है इस पर प्राउड फील करते हैं हम जी, कि जी, कि आपके डैडी वहाँ पे सेशन जज की हैसीत से काम करके हैं तो क्या उस आप आप लोगों ने अपनी फैमिली में कोई ऐसा एडवोकेट या कोई वकील या कोई जज की तरफ लाइन नहीं ली ये कि मेरे भाई जो हैं उन्होंने लॉ किया हुआ है दो भाई मेरे जो हैं वो लॉयर थे और उन्होंने लॉ किया लेकिन ये है कि हम इस पोस्ट तक नहीं पहुंच सके तो बाकी ये है कि जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि पहले के जो लोग थे उनकी जो मेहनतें थीं या उनकी जो कावश थी जी जी वो आजकल के जो हमारे लोग हैं उनसे बहुत फ़र्क है क्योंकि वो एक फ़र्क तो सर मैं बड़ा नुमाया आपको बता सकता हूँ जी जी अगर मैं इसको लाइट मूड में बोलूँ तो आप जो बलोचिस्तान में अकबर बुकटी थे ना सेम शक्ल आपकी है बहुत पर्सनैलिटी है आपकी इस लिहाज से थैंक यू खरम साहब ये तो आपकी नज़र अच्छी नज़र है जो मुझे इस तरीके से देख रही आप, है। आप हैं इस <laughs> तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये था कि जब सबसे ज्यादा इस मिशन हाई स्कूल का टन्योर जो है ये हेड विलियम के माल साहब का था खुरम साहब उसमें आपके फादर भी उस वक्त उस स्कूल में थे तो उनका जो मिशन था वो ये था कि उन्होंने तीन डिपार्टमेंट पे बड़ा जोर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन दूसरा जो था वो स्पोर्ट्स तीसरा जो था वो स्पिरिचुअल एजुकेशन रिलीजस मतलब अपने रिलीजन के मतलब ये स्कूल में जो हेड मास्टर साहब थे ये उनका ये फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती थी के बच्चे संडे स्कूल जाएं तो ये है कि उस दौर में 92 टू परसेंट मार्टनपुर के बच्चों की ये जो है ये तादाद होती थी जो संडे स्कूल ज्वाइन करते थे और मंडे को हेड मास्टर साहब विलियम के एमाल साहब वो ख़ुद चेक करते थे कौन सा बच्चा संडे स्कूल गया और कौन सा नहीं गया और ये है कि स्पोर्ट्स में देखा जाए तो स्पोर्ट्स में यह था कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के चैम्पियन होते थे जबरदस्त आज ये देखा जाए तो सिर्फ हमें ग्राउंड की पड़ी होती है कि हमें ग्राउंड चाहिए लेकिन आप जाके देख लें अफसोस से मैं ये कह रहा हूँ ये मैं खुशी से नहीं कह रहा अफसोस से कह रहा हूँ कि ग्राउंड में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती और ना ही पी की तरफ से कोई ऐसी तरबियत दी जाती है स्कूल में कि कोई स्पोर्ट्स टीचर रखा जाए उनको स्पोर्ट्स के लिए मतलब कि कोई प्रोफेशनल हो जो उनको सिखाए ऐसा कोई हमारे नहीं है ये चीज़ें हैं जो जो अब लैक करती हैं उस वक्त जो था ये चीज़ें सारी थी और गांव बड़ी तरक्की की तरफ जा रहा था सही मैं आपको एक मिसाल देता हूं 1938 में एक मिशनरीज ने एक सर्वे किया था तब तो फॉरनर हो हाँ जी फॉरनर थे उन्होंने, उन्होंने किया। सर्वे किया हाँ जी सर्वे किया एक कमेटी बनी उन्होंने सर्वे किया कि जी ग्रेजुएट्स कितने निकलते हैं क्रिश्चियन ग्रेजुएट्स कितने निकलते हैं पर ईयर hmm. तो कराची और लाहौर में जो है सेवेंटी परसेंट सॉरी नो सेवेंटी परसेंट ही सेवेंटी ग्रेजुएट्स हर साल निकलते थे जबकि सिर्फ मार्टनपुर में से जो hmm. मार्टनपुर के लोग थे सिक्सटी नाइन ग्रेजुएट्स निकलते थे अब ये देखें आप कि एक छोटी सी आबादी है थोड़ी सी पॉपुलेशन है उनकी वो कितनी मेहनत हमारे बुजुर्ग करते होंगे बच्चों के ऊपर के जो उस दौर दौर में जिस दौर की मैं बात बात कर रहा ग्रेजुएट ग्रेजुएट होना एक बहुत बड़ी बात थी।, बात थी, बिल्कुल ऐसी और वो ग्रेजुएट होते थे आजकल तो ग्रेजुएट जो आप देख लें उनको एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती ना उर्दू में लिखनी आती है ना इंग्लिश में लिखनी आती है हालांकि नंबर उनके बहुत होते हैं जी जी टॉप कर रहे होते हैं वो तो ये चीजें हैं यही वजह पोस्ट भी कोई नहीं नजर आती फिर इसीलिए पोस्ट नहीं नजर आ रही सबसे बड़ी बात यह अभी मुझे अभी कल ही बैठे हुए थे तो मेरे से बात हो रही कह रहे हैं जी वालदेन जो है बच्चों को तरबियत नहीं देते मैंने कहा जी वालदेन बच्चों को तरबियत क्या देंगे जब वालदे की तरबियत ही नहीं हुई क्योंकि ये तो कई सालों से हमारा ये सिस्टम ऐसा ही चल रहा है ना हमारे पासबान ना हमारे बुजुर्ग ना हमारे चौधरी साहिबान कोई भी तो नहीं तवज्जो दे रहा बच्चों के ऊपर तो डेविड साहब आप फिर एज अ नंबरदार गाँव में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं किस जगह आप अपने आप को देख रहे हैं क्या आपको क्या करना चाहिए गाँव के लिए देखें जी खुरम साहब मैं 22 साल मैंने बाहर गुजारे हैं मुख्त्य बि, बिजनेस बिज़नेस के, के सिलसिला में जी जी तो पहले मैं सऊदी अरब भी रहा हूँ तो उस 22 इयर्स के दौरान जो मार्टनपुर में हुआ उससे मुझे मतलब कि उसका मुझे नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ पे था ही नहीं आप फैमिली के साथ थे मैं अपनी फैमिली के साथ था दो मेरे बच्चे हैं एक बेटा है एक बेटी है वो भी मेरे साथ ही थे कहा तो किस मलक में थे हम सऊदिया रहे हैं फिर उसके बाद मैं अपना बिजनेस शिफ्ट करके ले गया साउथ अफ्रीका अभी मैंने सुना आपने फार्म हाउस भी बनाया हुआ है गांव में जी वो तो मैंने वहां से वापस जब आया हूं तो एक्चुअली तो ये है कि आप जैसे मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने मुझे कहा कि लोग तो यहाँ से बाहर जाते हैं अब बाहर से वापस आ रहे हैं जी। तो ये है कि मैंने ये फील किया कि मार्टनपुर को मेरी ज़रूरत है मुझे वापस जाना चाहिए क्योंकि मेरे बाप दादा यहाँ पे ही उनके वो ही फाउंडर्स हैं यहाँ के जी जी। तो मैं भी जाकर जो कुछ कर सकता हूँ मार्टनपुर के लिए मैं करूँ क्योंकि देखे खुरम साहब पैसा जो है ये तो आनी जानी चीज है बिल्कुल सही। तो ये हर इंसान की एक ये होती है फितरत है कि वो कोशिश करता है कि जितना भी कमा लूँ नाइन को हंड्रेड करने के लिए तो वो इस जिंदगी इसी तरह गुजर जाती है तो लिहाजा मैं वापस आ गया मुझे दो साल हो गए हैं ऑलमोस्ट टू ईयर्स हो गए हैं मैं वापस आया आके मैं मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा बिजनेस यहाँ पे भी सेट करूँ तो मैंने डेरी फार्म सेट किया जो कि मैं बहुत हाई लेवल पे लेके जाना चाहता था ताकि मार्टनपुर के, मार्टन के लोगों को रोज़गार मिले वहाँ से तो ये है कि अब भी हम जो हैं मैं और मेरी मिसेस हम मिलकर जो है और तो हम कोई काम नहीं कर रहे ना ही मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ हम सिर्फ मार्टनपुर की खिदमत कर रहे हैं मैंने सुना था आप चर्च यूपी चर्च जो है वहाँ मार्टनपुर का वहाँ पे सीनियर एल्डर भी हैं जी वो मुझे खुदा ने ये मौका दिया चेयरमैन ऑडिट कमेटी भी हैं आप जी बिल्कुल मैं चेयरमैन ऑडिट कमेटी तो जब मैं बाहर था उसी वक्त भी था ठीक है तो अब जो है मैं मेरी वार्ड ने गांव वालों ने ये सोचा कि मुझे वो एल्डर बनाए मैं सेक्रेटरी भी हूँ चर्च का तो ये है कि अभी मैं चर्च में भी काफ़ी मेरा मतलब कि इंटरेस्ट है ये इलेक्शन होते हैं जो वार्ड आप कह रहे हैं जी ये अलेक्शन होते हैं लेकिन खुदा का शुक्र है कि मुझे तो वो इलेक्शन में जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जो मेरी वार्ड के लोग थे उन्होंने खुद ही अनपोज मुझे जब उन्होंने वो बना दिया मुझे तो फिर आके मुझे बताया कि जी आप आ, एल्डर हैं हमारे हम जहाँ तक सुनते हैं जी जब भी मार्टिनपुर की नुमाइंदगी होती है चर्च करता है तो आप चर्च को कैसे देख रहे हैं इस वक्त की हमारी ये जो अवाम है जो हमारे लोग हैं वहाँ के मार्टनपुर की, वो वहाँ से क्या हासिल कर रहे हैं एक तो रूहानी तालीम है दूसरा जो वहाँ पे पास्टर साहबान होते हैं एल्डर साहबान होते हैं वो फैसले लेते हैं कि क्रिसमस पे हमने ये करना है और ईस्टर पे ये करना है अभी अब रिसेंटली मैं एक फे, फेसबुक पे देख रहा था कोई मार्टन डे भी था जी जी वो भी शायद सेलिब्रेट किया है लोगों ने हाँ असल में खुरम साहब ये है कि मेरा जेन कुछ फ़र्क है तो मेरा ख्याल है कि मैं इस सिस्टम में फिट नहीं हो सकता चाहे मैं चर्च में एल्डर भी हूँ सेक्रेटरी भी हूँ गांव का नंबरदार भी हूँ लेकिन मेरी सोच कुछ बिल्कुल डिफरेंट है ना तो मुझे पैसे का लालच है ना मुझे किसी के साथ कोई ऐसी दुश्मनी है कि मैं ये कोशिश करूं कि उसको वो चौधर पुना दिखाऊँ तो ये है कि इस वक्त जो अगर सच्ची बात आप मेरे से पूछते हैं ना तो ना ही चर्च कुछ लोगों के लिए कर रहा है और ना ही चौधरी साहिबान कर रहे हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि नौजवानों के लिए बच्चों के लिए मैंने एक रिसेंटली पहले मे, मेरी मिसिस किड्स मिनिस्ट्री के नाम से मेरी मिसेस जो है वो मैं भी उनके साथ ही हूँ हम संडे स्कूल का प्रोग्राम चला रहे थे दे दे। वो हमने तकरीबन डेढ़ पौने दो साल चलाया जिस वक्त हमने वो संडे स्कूल का प्रोग्राम हैंड ओवर हमें हुआ तो उस वक्त सिर्फ बीस तीस बच्चे थे उसमें और उनके पास कोई इतनी तरबियत नहीं थी लेकिन डेढ़ पौने दो साल में खुदा का शुक्र है कोई पौने तीन सौ तीन सौ बच्चा था जो संडे स्कूल में हिस्सा ले रहा था और वो उसमें बच्चों को ये मतलब तरबियत दी गई कि वो इंग्लिश में बाइबल भी पढ़ सकते थे सामने आके और वो हवाले भी पढ़ते थे और वो अब अब भी जो है हम वो अब हमने वो संडे स्कूल को हैंड ओवर दोबारा चर्च को कर दिया और रिसेंटली मैंने चर्च मीटिंग में ये पास करवाया कि उनके लिए बजाए इसके के मैट्रिक पास या एफ ए पास टीचर्स रखी जाएँ उनके लिए एक ट्रेंड पास्टर होना चाहिए जो उनको रूहानी तलीम दे सके जिसको ख़ुद भी पता हो कि मैं क्या ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो ये जी. है बाकी हमने अब जो है वो नौजवानों के लिए प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं यूथ के लिए जी, जी. अभी आपने कहा कि हमने ने 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 वो संडे स्कूल में कम अज कम को तीन सौ बच्चा जी जी क्या माटपुर की भी इस वक्त इतनी आबादी है कि वहां पे कोई जो बंदा इलेक्शन लड़ता है वो काउंसलर से ऊपर वाली सीट भी ले सके जी काफी आबादी है गांव की अभी भी बहुत आबादी है सारे तो सारे लोग निकल नहीं आए जो निकल आए हैं उनके भी वोट वहाँ पे ही डलते हैं ओके okay. ठीक है ना जी तो कभी आप लोगों ने इसके बारे में सोचा है कि मतलब अगर हम आई डी कार्ड या इसके तरह की ये एज ए लंबरदार मैं आपसे पूछ रहा हूँ वहाँ से ही कोई चेयरमैन हो या एम एन अगर खड़े होते हैं तो उधर से जहाँ तक मेरे नॉलेज में है या मैंने जहाँ तक सुना है आपके बारे में आपके तो ससुराल में भी मेरे ख्याल एम एन एम पीज़ हैं तो अब उसके बाद कभी ऐसा गांव में आया है कि किसी ने सोचा हो या वो सिर्फ कौंसलर की हाथ तक है ये सारी चीज़ें तो वोट के ऊपर होती हैं ना अगर आपके गांव का वोट अच्छा है बड़ा है ज़्यादा है तो आपको सीटें ज़्यादा मिल जाती हैं तो क्या कभी इस तरह सोचा आप लोगों ने देखिये जी असल में ये बात यह है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं पिछले 22 साल से यहाँ पे नहीं था वापस आया हूं तो मार्टनपुर बिल्कुल डिफरेंट नजर आया मुझे वहां पे सबसे जो बड़ी बात यह है कि यूनिटी नहीं है जो कि होनी चाहिए जो आज से 20-30 साल पहले पहले थी वो यूनिटी नहीं है अब ना वो रिस्पेक्ट है ना की। बिल्कुल वो सीनियर्स की रिस्पेक्ट भी नहीं है और वो यूनिटी नहीं है वो प्यार मोहब्बत नहीं है लोगों में आपस में तो इसकी वजह यही एक मेन कॉज़ है जिसकी वजह से हम यूनियन लेवल पे या यूसी लेवल पे हम जो है ना सीट्स जो है वो खो देते हैं वो चली जाती है हालांकि जितनी हमारे हमारे वोटों से ही चेयरमैन ने बनना होता है ऐसे ही तो ये है कि हम क्योंकि आपस में यूनाइटेड यूनाइट नहीं है मार्टनपुर यंगसनाबाद का जो दोनों का चक नंबर तीन सौ इकहत्तर जी। लेकिन ये है कि इन दोनों की बल्कि गाँव में आपस में जो है वो यूनिटी नहीं है जिसकी वजह से ये सीटें हमें नहीं मिल रही कोशिश पूरी है हमारी और मेरी जती तौर पर कि ये हम यूनाइट होकर आइंदा कोई ऐसा मौका इसी तो तरह इसी हवाले से मैं आपके लिए हमारे न्यूज चैनल की स्क्रीन है आप मार्टिनपुर को या यांगसनाबाद को या थ्री सेवन वन को या नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहते हैं एज नंबरदार तो काइंडली आपके लिए हाजिर है जी मैं ये कहना चाहता हूँ आपने बड़ी अच्छी बात की कि जिस तरह मैं ये अपने दिल में एक अरादा ले कर आया हूँ बाहर से कि मैं गाँव के लिए कुछ करूँ तो मैं उसमें पूरा हिस्सा ले रहा हूँ अपना जितना मेरी कोशिश है मैं फाइनेंशली मॉरली जो भी मेरे पास है मैं वो यूज़ करना चाहता हूँ गाँव के लिए और वो हम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो नौजवान बच्चे हैं जिन्होंने मैट्रिक कर लिया है और एफ़ ए कर लिया हम उनको मेरी अपनी ये ख्वाहिश है कि मैं उनको सपोर्ट करूँ और मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि और भी जो हमारे मार्टनपुर के लोग हैं जो बाहर हैं या जो गाँव में रह रहे हैं वो ये सोचें कि हम इस गांव को अपलिफ्ट करें और वो अपलिफ्ट इस तरह ही हम कर सकते हैं जब हम अपने नौजवानों को हम किसी जॉब्स पे लगवाएंगे, उनको आगे एजुकेशन देंगे क्योंकि अब गांव की मतलब किस तरह की भी हालत है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते मैंने अभी रिसेंटली आज ही ए, कुछ मेरे बच्चियाँ हैं वो मेरी बच्चियाँ हैं जब मेरे गांव की हैं या मेरे अजीज़ों की हैं तो बच्चे हैं उनको मैंने ए, यू में भी टेक्निकल ट्रेनिंग्स के लिए आज उनकी मतलब के वो इंटरव्यूज थे वो खुदा का शुक्र है वो सिलेक्ट हो गए हैं और इसी तरह मैं चाहता हूँ वो हम उनको फाइनेशली भी सपोर्ट करेंगे थैंक यू थैंक यू सर आपका आप नेशनल न्यूज़ पे तशरीफ आवरी का शुक्रिया नाज्रीन आपसे अभी जो नंबरदार के हवाले से बातचीत हुई है अगर आपको कुछ कमेंट्स देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा या इनका कोई नंबर लेना चाहें तो आप हमारे स्क्रीन बॉक्स पे चल रहा नंबर वो देख सकते हैं ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा लाइक like कीजिएगा खुदा हाफिज़